वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज नितेश दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की वीडियो में जैसे कि आपका कल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था, आज हम पढ़ेंगे न्यू टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसके भी पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के समान इसमें भी चार प्रकार के भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, टेंस। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इस प्रकार के चार प्रकार के टेंस होते हैं। तो पहला टेंस पढ़ेंगे आज हम, सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान है, इसके सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की। इस टेंस के पहचान या आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ताथा ता था ती थी ते थे इत्यादि इत्यादि आते तथा इस टेंस टेंस में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयुक्त होता है होता है, ठीक है। यहां पर इस टेंस की सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया डिड होती है, तथा जब डिड का प्रयोग होता है तो जो मुख्य क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। देखिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस। अब देखिए ता था ते थे ती थी इत्यादि टेंस के हिंदी वाक्य में आता है। अगर किसी भी वाक्य में ता और था लास्ट में आता है तो आप समझ जाइए कि वो जो वाक्य है वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का है। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, मैं स्कूल जाता था। देखिए ता था आ गया, मतलब इससे ये प्रकट होता है कि जो सेंटेंस है वो किस वाक्य किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, ठीक है ना। वो जो ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का है। चलिए हम इसे बनाते हैं। आई को कहते हैं, मैं को कहते हैं आई, स्कूल को स्कूल, जाता को गो कहते हैं। तो आई स्कूल गो ये सीक्वेंस में नहीं है सेंटेंस, तो हमें इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।
स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए हम इसे बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, आई। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म गो है। मुख्य क्रिया हमारी क्या है? गो है, जाने की क्रिया हो रही है। गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं स्कूल जाता था अगर हम बोले तो हम बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इस टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो इसकी दायक क्रिया हमारी डिड है। डिड के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा देते हो, और जब डिड का यूज होता है तो ध्यान रखिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर पहले बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस आई वेंट टू स्कूल, इसके अब क्या बन जाएगा? आई, आई के साथ डिड नॉट गो टू स्कूल, जैसे अगर आपने पूछ ली, आपसे किसी ने कल पूछ लिए, या अगर आप बताना चाह रहे हैं किसी को कि मैं स्कूल नहीं जाता था, अपने पास्ट टेंस के, या आप अपने भूतकाल की किसी को बात बताते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता था, तब आप कैसे बोलेंगे? ये बोलेंगे आई वेंट, मैं स्कूल जाता था के लिए आई वेंट टू स्कूल। अगर मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं नहीं जाता था, मैं स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। अगर किसी को आपसे क्वेश्चन पूछना होगा क्या आप स्कूल जाते थे, तो क्या आएगा? डिड यू। इसका अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम स्कूल जाते थे, तो डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते थे, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखिए हमारे दूसरा सेंटेंस था, पहले हमने बनाया था आई वेंट टू स्कूल, इसके बाद क्या था? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्लियर। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? डिड, हमने हर एक टेंस में, हर एक वीडियो हमने बताया, जब भी आप किसी टेंस का कोई से भी सेंटेंस का प्रश्नवाचक बनाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्या जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। चलिए इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सहायक क्रिया डिड, डिड के बाद हमारा आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, या आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं स्कूल जाता था, डिड आई गो टू स्कूल, आंसर मिलेगा जिससे आप पूछेंगे वो आपको आंसर बताएगा कि आप स्कूल गए हैं कि नहीं गए, ठीक है ना। चलिए अब एक सेंटेंस और बनाते हैं जिसको तीनों फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। चलिए तीनों फॉर्म में बताते हैं।
पहला सेंटेंस हमारा से, तुम बाजार जाते थे, तुम बाजार जाते थे, तुमको कहते यू, बाजार को कहते मार्केट, और जा गो, तो यू मार्केट गो, ये गलत सेंटेंस है। हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाना है, क्या करेंगे हम, यू वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट, क्या तुम मार्केट गए या जाते थे, इसका नेगेटिव बनाएंगे, यू वेंट, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, तुम मार्केट या बाजार नहीं जाते थे, इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तब हम बनाएंगे डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, ये इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। पास्ट टेंस का पहला पार्ट है पार्ट वन, जिसमें हमने आपको सेंटेंस के पहचान, वाक्य, हिंदी वाक्यों की पहचान, प्लस उसके तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले, और एक ये एग्जांपल, ऐसे ही आप बहुत सारी वर्ब याद करके इसके सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।